आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीयस। प्रोटीयस जो बैक्टीरिया है, जो एक स्पीसीज है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर आता है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स क्या है? ग्राम नेगेटिव रॉड्स वो रॉड्स हैं जो कि क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग के दौरान डीकलराइज हो जाते हैं, साथ ही साथ कैसे रेड और पिंक कलर शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं प्रोटीयस। जो प्रोटीयस हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, नॉर्मल कॉमन सेल्स की तरह पाए जाते हैं, यानी कि हमारा जो फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। देन हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब होता है कि जब भी एक पर्सन की क्या है, इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी लो है, लो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, उनकी ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि ये बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाते हैं और उनको ग्रोथ और उनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो कब कर रहे हैं ये बैक्टीरिया? जब एक पर्सन की इम्यूनिटी कम हो रही है, तब ये बैक्टीरिया उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बोलते हैं। देन देखते हैं दे आर ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम नेगेटिव हैं, साथ ही साथ क्या है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। ओके, प्लियोमॉर्फिक क्या है? अभी तक हम ओवल के बारे में या स्पेरिकल के बारे में रॉड शेप में पढ़ा। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इनका कोई वेरिंग एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये वेरिएबल शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। तो ये प्लियोमॉर्फिक है, इंटेस्टाइनल कॉमन सेल है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके सोर्सेज के बारे में एंड मोड एंड ट्रांसमिशन के बारे में। जब हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में, तो देखा जाता है कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट हो गया या अनहाइजीनिक कंडीशन हो गए, हॉस्पिटल में देखा जाता है कि वहाँ पर अगर अच्छे से जो स्टरलाइजेशन है, डिसइंफेक्टेड है, इनका सर्विलेंस अच्छे से नहीं किया जा रहा, इनको सही से नहीं किया जा रहा है, टाइम टू टाइम नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो इन्वायरमेंट है वो अनहाइजीनिक हो जाता है, और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं पेशेंट्स के अंदर। वहीं देखते हैं जो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होता है, कोई भी जगह हो सकती है जो अनहाइजीनिक है, गंदी है, वहाँ पर सही से क्लीनिंग नहीं होती है, डस्टिंग नहीं होती है, तो ये कंडीशन क्या कर सकती है, इस बैक्टीरिया को वहाँ पर मौजूद कर सकती है और दूसरे जो पर्सन है उनको इन्फेक्शन कॉज करने में इन बैक्टीरिया को हेल्प कर सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, सोर्सेस थे। देन हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, तो देखते हैं कि इन्हेलेशन के थ्रू या फिर किसी भी जगह पे क्लोज कांटेक्ट के थ्रू या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। मेनली हम देखते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, जो फ्लाइज है, जो कंटेमिनेटेड फूड है, उसके थ्रू हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। तो काफ़ी सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। नॉर्मली देखते हैं कि फीकल जो रूट होता है उसके थ्रू, या फिर अनहाइजीनिक टॉयलेट्स यूज़ करने की वजह से, तो ये सारे कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। देन हम देखते हैं कि पैथोजेंसिस क्या है। सो पैथोजेंसिस में हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो ये रिलीज करता है, इसके अंदर आते हैं एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, और ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को डिसीज कॉज करने में हेल्प करते हैं, ये टॉक्सिन इन्वेड करने में, मल्टीप्लीकेशन करने में, जो सेल्स हैं उनको ख़राब करने में, ये सब हेल्प करते हैं। देन हम देखते हैं पैथोजेंसिटी के बारे में, तो कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मेनली ये क्या करता है, ये यूटीआई कॉज करता है नोजोकोमी इन्फेक्शन के थ्रू। हॉस्पिटल सेटिंग में ये प्रेजेंट होता है, नोजोकोमी इन्फेक्शन कॉज करता है, और उसमें देखा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा जाता है इसमें। देन हम देखते हैं कि यूटीआई के बाद अगर हम अदर इन्फेक्शन की बात करें, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, कि वुंड में कॉन्टैक्ट में आने से वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। देन देखते हैं निमोनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बैक्टीरिया के द्वारा, ये बैक्टीरिया ग्रो करके निमोनिया कॉज कर सकता है। देन हम देखते हैं सेप्टिसीमिया, अगर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करने की वजह से वहाँ पर ये बैक्टीरिया साथ ही साथ सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन हम देखते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो इंटेस्टाइन है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहाँ पर नॉर्मल कॉमन सेल है, तो अगर एक पर्सन का स्टमक अपसेट है या फिर वो सही से डिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी लो है, तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सभी क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं, उन पेशेंट के अंदर जिनकी इम्यूनिटी क्या है, कम है, इम्यून क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस कंडीशन में देखे जा सकते हैं। देन हम बात करते हैं अबाउट द लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लैबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैबोरेटरी में। तो फर्स्ट वन इज द स्पेसिमेन कलेक्शन। हम स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिस जगह पर भी हो रहा है, जैसे कि अगर इंटेस्टाइन में कर रहा है तो स्टूल सैंपल ले सकते हैं, अगर वो सेप्टिसीमिया कॉज कर रहा है तो ब्लड सैंपल ले सकते हैं, यूटीआई कॉज कर रहा है तो यूरिन सैंपल ले सकते हैं, अगर वुंड में अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वुंड इन्फेक्शन कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वुंड स्वैप कर सकते हैं। तो इन स्पेसिमेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। देन हम बात करते हैं कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।
कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में हम ये देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा है, एरोबिक है, साथ ही साथ फैकल्टेटिव एनारोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तब भी क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये दोनों इन्वायरमेंट में ग्रो कर जाता है। देन हम देखते हैं कि सिंपल मीडिया हम इसको प्रोवाइड कराते हैं ग्रो करने के लिए, जिससे ये इजीली अच्छे से ग्रो कर पाता है। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में देखा जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसके लिए बेनिफिशियल होता है ग्रो करने के लिए। देन आफ्टर हम बात करते हैं कल्चर के बारे में, तो हम कुछ और मीडिया भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे हम इसको अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो फर्स्ट वन था ऑन न्यूट्रिएंट अगार, जो न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है इसके अंदर हम ग्रो कर पाते हैं। सेकंड वन हम देखते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है, लिक्विड मीडिया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी देखी जाती है, यानी कि गंदगी देखी जाती है उस मीडिया में, ये ग्रो करते हैं तो गंदगी कर देते हैं, साथ ही साथ उसमें एक फॉल स्मेल आती है, एक अमोनिया की स्मेल आती है, तो अमोनिया की स्मेल या ऑडर आता है। देन हम बात करते हैं मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार मीडियम जो है वो डिफरेंशियल मीडियम है, तो इस डिफरेंशियल मीडियम में देखते हैं कि कलरलेस देखा जाता है, इसके अंदर कोई भी कलर हम नहीं देख पाते हैं। डिफरेंशियल मीडिया में हम मेनली देखते हैं कि कलर के बेसिस पे हम यू नो क्लासीफाई या डिफरेंशिएट कर रहे हैं बैक्टीरिया को, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम कलर्स नहीं देखते और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन मैकोंकी अगार मीडियम में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो दैट्स व्हाट आवर ग्राम स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हम ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में देखते हैं कि रेड या पिंक कलर शो कर रहा है डीकलराइज होने के बाद, एंड उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिकली इसको क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसकी शेप को देख पाते हैं कि प्लियोमॉर्फिक है, साथ ही साथ इसके ऊपर फ्लैगला प्रेजेंट है तो नहीं पाया जाता, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं माइक्रोस्कोप से, इसकी शेप को देख सकते हैं कि किस किस तरीके से वेरी वेरी शेप्स हैं इसके। देन हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, देन हम बायोकेमिकल रिएक्शन में ये देखते हैं कि ये ग्लूकोज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है बॉडी के अंदर, इसको क्या करता है, फर्मेंट करता है, और जो एसिड और गैस दोनों में ही क्या करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, एसिड या फिर गैस को फॉर्म कर रहा है। देन हम बात करते हैं कि यूरिया पॉजिटिव है, यूरिएस पॉजिटिव होने का मतलब है कि यूरिन को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, यूरिन को ब्रेक डाउन करता है, और अमोनिया जो है उसको क्या करता है, सेपरेट कर देता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। तो ये यूरिएस पॉजिटिव होता है क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस करता है यूरिया का, अगर नहीं करेगा तो इसको हम यूरिएस नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये यूरिएस पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यूरिया का क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सैक्सिन हो गया, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, इसको किल करने में, ट्रीट करने में, इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं, तो इनको हम दे सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, तो हम देखते हैं कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके, अनहाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो अनहाइजीनिक कंडीशन है उनको हम प्रिवेंट करके, उनको हाइजीनिक बना के हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू इन्फेक्शन होने को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने प्रोटीएस को डील किया, प्रोटीएस हमारा ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर आता है, और ये प्लियोमॉर्फिक शेप्स होते हैं इसके, वेरिंग वेरिंग शेप्स हैं, साथ ही साथ देखा कि अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, सोर्सेस में देखा कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन से ग्रो कर सकता है, पैथोजेंसिस में देखा कि ये जो कुछ टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, पैथोजेंसिस में देखा कि ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई बोल रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, देन हम देखा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। देन हमने बात किया लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, जिसमें स्पेसिमेन कलेक्शन हमने डील किया, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक डील किया, कल्चर कौन कौन से प्रोवाइड करा सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग करके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके, एंड बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एंड देन देखते हैं ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में हमने देखा कुछ एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करा के, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, या सिप्रोफ्लॉक्सैक्सिन हो गया, ये इफेक्टिव होती हैं इसके अगेंस्ट में। प्रिवेंशन में देखते हैं कि इसको हम हैंड वॉशिंग के थ्रू या हाइजीन को मेंटेन करके क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का एक क्लास समझ में आया होगा, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।